दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिक स्टडी में। और आज हमारी चर्चा का विषय है अखनूर का किला। तो आइए दोस्तों, चर्चा करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक हमारे नए वीडियो पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं अखनूर के किले पर। दोस्तों, अखनूर का किला भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले के अखनूर शहर पर चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, यह ऐतिहासिक किला जम्मू से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अखनूर एक पुरातात्विक स्थल है। यह जम्मू से कुछ ही दूरी पर हिमालय की तलहटी में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, अखनूर एक बहुत प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भी है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसको महाभारत काल के विराटनगर से जोड़ा जाता है। उनका मानना है कि अखनूर महाभारत काल में विराटनगर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, चिनाब नदी किनारे बना यह अखनूर किला बहुत ही सुंदर संरचना है, जिसका निर्माण 1802 में राजा आलम सिंह ने करवाया था। वास्तव में राजा तेग सिंह के कहने पर 1762 में किले का निर्माण शुरू हुआ और 1802 में उनके बेटे राजा आलम सिंह ने शेष निर्माण कार्य पूर्ण किया, अर्थात 1802 में यह किला पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, अगर हम इस किले के इतिहास में झांकने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलता है कि इस स्मारक के कब्जे वाली भूमि के साथ बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार यह किला प्राचीन पुरातात्विक शहर मांडा के खंडहरों पर बनाया गया था, जहां हड़प्पा सभ्यता के अवशेष और कुषाण राजवंश के अवशेष पाए गए हैं। दोस्तों, यह किला कई काल पहले हड़प्पा संस्कृति के काल में बना हुआ है, जो बाद में नष्ट हो गया था। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण 1982 से यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI के अधीन है और इसे स्मारक अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ASI ने इस इमारत के प्राचीन गौरव को बहाल करने के लिए कई उपाय, अतिक्रमण हटाने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए हैं। वर्तमान में इसमें विभिन्न सरकारी आवास हैं, SDM कार्यालय और पुलिस स्टेशन सहित अन्य कार्यालय स्थित हैं। दोस्तों, यह किला वास्तव में एक प्राचीन स्थल पर स्थित है, जो हड़प्पा सभ्यता के समय से जाना जाता है। यह भी माना जाता है कि महाकाव्य महाभारत के पांडव अपने निर्वासन के अंतिम वर्ष के दौरान एक बार किले के पास अखनूर की गुफाओं में रुके थे। अखनूर को महाभारत में वर्णित पौराणिक विराट नगरी माना जाता है। दोस्तों, अखनूर किला भारतीय सैन्य वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। किले के भीतर राजा आलम सिंह का भव्य महल है। किले की ऊंची दीवारें आंगन का सामना करती हैं और दीवारों पर भित्ति चित्रण भी है। दोस्तों, अखनूर किले में बराबर अंतराल पर गढ़ों के साथ ऊंची एवं बड़ी किलेबंदी दीवारें हैं, जिस पर युद्ध पोतों के साथ ताज पहनाया जाता है। कोनों पर दो मंजिला वॉच टावर हैं, जिन्हें युद्ध में विलय होने पर ताज पहनाया जाता है। किले के दो भाग हैं जो एक दीवार से टकराते हैं, जिसके द्वार दक्षिणी ओर महल की ओर हैं। पूरा महल दो मंजिला है और आंगन के सामने की दीवारों पर मेहराबें सजी हुई हैं, जिनमें से कुछ भित्ति चित्र हैं। किले की दीवारों पर निर्मित भित्ति चित्र कला सबसे पुरानी चित्रकला है। प्रागैतिहासिक युग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने मिट्टी का प्रयोग दीवारों पर चित्र बनाने के लिए शुरू कर दिया। दोस्तों, अखनूर किले का प्रवेश नदी के किनारों और उत्तरी तरफ दोनों के माध्यम से प्राप्त होता है। पूर्व में किले का एक बड़ा हिस्सा खंडहर में था, जिसका अब संरक्षण कार्य प्रगति पर है। दोस्तों, अखनूर किले जैसे प्राचीन स्थल पर तीन काल के इतिहास को उजागर किया गया है। पहली अवधि में हड़प्पा
लाल और ग्रे मिट्टी के बर्तन द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें जार, बीकर और गोबल शामिल हैं। दूसरी अवधि में प्रारंभिक ऐतिहासिक मिट्टी के बर्तनों की उपस्थिति से चिन्हित किया गया है और अंतिम तीसरी अवधि में कुषाण वस्तुओं द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों, अखनूर किला अपने उत्तरी और पूर्वी किनारों पर शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र और त्रिकुट पहाड़ी क्षेत्र के सुंदर परिदृश्य से घिरा हुआ है। दोस्तों, यह किला वर्तमान समय में पर्यटकों का केंद्र बनता जा रहा है और यह अद्भुत किला दर्शकों को लुभाता है। किले की शिल्पकला अद्भुत कला की परिचायक है तथा इन्हीं कारणों से स्थानीय सरकार और ASI किले की नवसंरचना तथा पुनर्निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, यह किला आज भी अपने अतीत की कहानी कहता हुआ नजर आता है एवं यह अद्भुत सौध का परिचायक बना हुआ है। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही अन्य तमाम जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं हमारे साथ जुड़े रहिए।